Good morning to all my dear students of class 2. Today I am here to explain you all the chapter number 17 of the subject English grammar. आज की क्लास में मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 17 एक्सप्लेन करूंगी. सबसे पहले आप लोग आज की डेट डाल लीजिए यहाँ पे 2/12/2020. इस चैप्टर में हम वर्ब्स का गोइंग टू के बारे में पढ़ेंगे. Going to plus verb is used to talk about plans or action in the near future. Going to का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम कोई काम करने जा रहे हों. जैसे अगर मैंने बोला कि जाके पढ़ो तो आपने मुझे जवाब दिया मैं पढ़ने जा रही हूँ. तो जो काम आप तुरंत करने जा रहे हैं या बहुत कम समय के बाद करने जा रहे हैं वहाँ पे हम going to का इस्तेमाल करते हैं. जैसे एग्जाम्पल, द बेबी इज गोइंग टू फॉल. आप देख सकते हैं यहाँ पे बेबी बैठ के एकदम किनारे पे है इसलिए गोइंग टू फॉल. द मैन इज गोइंग टू डाइव इन टू वाटर. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आदमी है जो स्विमिंग पूल में छलांग लगाने जा रहा है. नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग गोइंग टू एज शोन इन द एग्जाम्पल्स. अब इस पिक्चर्स को देख के हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं एक शिकारी है जो शेर का शिकार करने जा रहा है, उसको शूट करने जा रहा है. तो द हंटर इज गोइंग टू शूट द लायन. गोइंग टू शूट. नेक्स्ट, इट इज गोइंग टू रेन. बारिश होने वाली है, एक आदमी ने छाता पकड़ा भी है. टीना इज गोइंग टू कट द केक. टीना केक काटने जा रही है. Children are going to sing. बच्चे गाना गाने जा रहे हैं. The aeroplane is going to land. Aeroplane land करने जा रहा है. Smile please, I am going to take a picture. यहाँ पे एक photographer picture लेने जा रहा है. So going to take a picture. So that's it. इस तरीके से हम going to शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. इस chapter के exercises आप लोग book में complete कर लेंगे. That's it for the today's class. Chapter number 17 of English grammar is over today. Thank you very much.